पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के इलेक्शन की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को अलर्ट मोड पर खड़ा कर दिया है। इसी क्रम में आज मुरादाबाद में भाजपा महानगर की जिला कार्य समिति का आयोजन किया गया। इस दौरान देश को कांग्रेस मुक्त देश बनाने का संकल्प दिलाया गया, साथ ही देश के आने वाले चुनाव में मेहनत कर विजयी बनाने का भी संकल्प दिलाया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने कार्य समिति की अध्यक्षता की, तो वही संचालन श्याम बिहारी शर्मा के द्वारा किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। आयोजित कार्य समिति के मुख्य अतिथि महानगर प्रभारी वाईपी सिंह मौजूद रहे। मुख्य वक्ता एमएलपी गोपाल अंजान, महापौर विनोद अग्रवाल, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजू कालरा, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महानगर संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता, बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता के साथ अन्य गणमान्य लोगों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इस दौरान भाजपा के लोगों को मजबूती के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। हमारा संकल्प था, जिस विश्वास को लेकर हम लोग राजनीति की यात्रा में निकले थे, उस राजनीति की यात्रा को हम लोगों ने अक्षरशः पालन करते हुए हम संकल्प के साथ राजनीति करते। ये हम राजनीतिक प्रस्ताव पढ़े उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूं, राजनीति विश्वास का विषय है, राजनीति कठिन विषय है और कोई व्यक्ति किसी विषय का मर्मज्ञ हो सकता है, ज्ञाता हो सकता है, उसका बड़ा विद्यार्थी हो सकता है, पर राजनीति का क्षेत्र कांटों भरा क्षेत्र, यह कोई सरल विषय नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने यदि काम करना है, हमारे विचार परिवार ने यदि काम करना है, तो आपको संपूर्ण समर्पित करना पड़ेगा, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि कोई विषय में सोच कर चले, किसी भी कार्यकर्ता के मन में हो, हमारे बीच से अनेक कार्यकर्ता दूसरे यहां यात्रा करके आए, पर आत्मसंतुष्टि आत्म संतोष प्राप्त नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम रात दिन सोते उठते बैठते जागते उस भारत माता को साक्षात जिसके दर्शन करते हो, और हम चले किसी दूसरे दल में जाएं, तो हाँ आत्म हमको आत्म शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आत्म शांति इसलिए प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि हमने जो राजनीतिक संकल्प लिया है, वो हमने पहला संकल्प था हर हाथ को काम हर खेत को पानी। जिस समय परम पूजनीय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब इस यात्रा का आरंभ किया, तो ये विषय पब्लिक टीवी आपकी आवाज।